नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा की बदलती तस्वीर इस बात को साबित कर रही है कि राजनीतिक नेताओं के सामने ना कोई नियम चलता है ना ही कोई कानून। जी, आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही हर गली कूचे से लेकर सड़क के चौराहे तक राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर और होर्डिंग्स लगे दिखाई दे रहे हैं। डीसी ने इन होर्डिंग्स को हटाने के आदेश कई दिनों पहले जारी कर दिए थे, लेकिन दिन निकलते जा रहे हैं पर ये पोस्टर नहीं हट रहे हैं। क्या हरियाणा में नेताओं का चेतावनी भी दी थी कि 3 दिनों के भीतर सभी नेता अपने होर्डिंग्स उतार लें और केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर ही लगाएं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और उन्हीं के खर्चे पर ये होर्डिंग्स उतरवाए जाएंगे। इन आदेशों को भी 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन नेताओं के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सभी से अनुरोध किया है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जिसके भी होर्डिंग या बैनर लगे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो उनको हटा लें और अगर वो नहीं हटाएंगे तो प्रशासन पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर उनको हटवाएगा और उनसे वो पैसे वसूल किए जाएंगे। होर्डिंग का पोस्टर से पटे शहर प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्हें हटाने के दावे करते ना थकने वाले अधिकारियों की ओर से पार्टियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट। डीसी के आदेश का उड़ा मजा, सड़क पर अभी भी लगे होर्डिंग्स और पोस्टर, चौक चौराहे पर होर्डिंग्स और पोस्टर, राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर से बदरंग हुआ शहर, नेताओं के आगे बेबस बना प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां नहीं आ रही बात, राजनीतिक पार्टियों ने नहीं माना आदेश, आदेश के बाद भी जारी है पोस्टर का खेल, प्रशासन के दावों की खुलती पोल, क्या भी प्रशासन की नहीं सुनते। जिला प्रशासन का जहां तक सवाल है, जिला प्रशासन की ओर से अभी करीब 1 सप्ताह पूर्व सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाकर उन्हें निर्देश दिए गए थे कि वो अपने होर्डिंग हटा लें, मगर उसके अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मगर उसके बावजूद 1 सप्ताह बीत चुका है और अभी तक किसी एक नेता के होर्डिंग नहीं हट पाए हैं। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन के जो आदेश है वो इन नेताओं पर कितने प्रभावी हैं और ये नेता जो है कितने उन आदेशों की पालना कर पाते हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो है जिला प्रशासन, जहाँ तक नगर परिषद का सवाल है, तो नगर परिषद भी इन पोस्टों को हटाने में नाकाम साबित हो रही है। सुरेंद्र, आखिरी बैठक प्रशासन की कब हुई थी इन तमाम राजनीतिक दलों के साथ?
जी बिल्कुल, 27 अगस्त को जिला प्रशासन ने इन नेताओं की बैठक बुलाई थी और करीब एक सप्ताह बीत चुका है, मगर उसके बावजूद आदेशों की कोई पालना नहीं हो पाई है। जी तो सुरेंद्र, ऐसे में क्या अब कार्रवाई का मन बना रहा है प्रशासन? जैसा कि अभी तक की कार्रवाई को देखने से यही लगता है कि प्रशासन के जो आदेश हैं वो केवल आदेश ही बनकर रह जाएंगे और नेता इसी तरह से अपने होर्डिंग और पोस्टर लगाते रहेंगे और विधानसभा चुनाव का जहां तक वक्त नजदीक है उसके बावजूद एक महीने के अंदर प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल के बराबर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो सुरेंद्र इसे माने कि जिस तरह से उपायुक्त के या प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, चुनाव आचार संहिता का भी कुछ ऐसा ही माहौल उड़ाया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं उसकी यही से होती है। ये बिल्कुल, जहां तक जिला प्रशासन के आदेशों की ही पालना नहीं हो पा रही है तो आचार संहिता लगने में अब कुछ ही समय बाकी है, तो आचार संहिता का भी इसी तरह से मजाक उड़ाया जा सकता है इन नेताओं द्वारा। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चौक चौराहों पर होर्डिंग, प्रशासनिक अमले के लगातार कहने के बावजूद इन नेताओं ने अभी तक पोस्टरों को नहीं हटाया है। ऐसे में यहाँ पर भी प्रशासन की थोड़ी बहुत लापरवाही कही जा सकती है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, आखिरकार कब शुरू होगा कार्रवाई का ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कि खेल। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता संजय मलिक और बीजेपी की तरफ से सत्येंद्र सखीजा, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। सबसे पहले संजय मलिक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पूरा का पूरा जो शहर है होर्डिंग्स और पोस्टर से अटा पड़ा है, प्रशासनिक अमला लगातार अपील कर रहा है बावजूद इसके नेताओं के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? गलत है जी, ऐसे नहीं लगाने चाहिए, आमजन को बड़ी दिक्कत। संजय जी, आपको नहीं लगता है कि इसके बनिस्बत की प्रशासनिक अमला कोई कार्रवाई करे, नेताओं को खुद ही चेत जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई निर्धारित जगह नहीं दी है प्रशासन ने, प्रशासन ने भी एक निर्धारित जगह दी है, आखिरकार तो फिर इस तरह की बातें क्यों सामने निकल कर आ जाती है? ऐसा नहीं करना चाहिए, तो संजय जी क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई नजारा जो है वो सामने ना आए? मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, पार्टी में आवाज उठाऊंगा, निर्धारित स्थान पर ही लगाया जाना चाहिए, ऐसे नहीं लगाना जाना, मैं मांग करूंगा जी। जी चलिए, आप लाइन पर बने रहिए संजय जी, हमारे साथ इस वक्त सत्येंद्र सखीजा भी मौजूद हैं, बीजेपी नेता। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो सत्येंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मेरा नाम सतीश खोड़ा है जी। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि सबसे पहले प्रशासनिक अमले ने कुछ जगह निर्धारित की है पोस्टर और बैनर लगाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके पूरा का पूरा जो शहर है वो होर्डिंग्स और पोस्टर से अटा पड़ा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, नेताओं ने होर्डिंग लगा रखे हैं, स्थान फिक्स किए गए हैं, लेकिन ये सारी चीज आचार संहिता लगने के बाद की तय की गई है, प्रशासन की तरफ से कहा भी गया है और हमने जिन लोगों ने होर्डिंग और पोस्टर लगा रखे हैं उनको कहा भी है और तो अपने अपने स्थान पर उतार भी रहे हैं, सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी की तरफ से लगाया हुआ है सबको कहा भी है, और अभी समय है क्योंकि आचार संहिता अभी लगी नहीं है, आचार संहिता लगने से पहले मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता जहाँ नहीं लगाने चाहिए थे। आपको लगता है सतीश जी, आपको लगता है क्योंकि प्रशासनिक अमला लगातार कई बार अपील कर चुका है, बैठ के भी कर चुका है, जब अभी अपील का असर, चुनाव होने हैं
और ये चीज ठीक नहीं है। खैर होर्डिंग पोस्टर जहाँ लगे हुए हैं वो हट जाएंगे, लेकिन अभी आचार संहिता लगी नहीं है, आचार संहिता लगने से पहले हट ही जाएंगे। बिल्कुल। संजय मलिक हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेसी नेता। संजय जी, आपने सुना सतीश खौला जी की बात को कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रशासन तो हमेशा गलत काम करता है और आचार संहिता लगने के बाद ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, आप सहमत हैं उनके बयान से? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन अभी आपने ये कहा कि आप इस बात को पूरे तरीके से उठाएंगे पार्टी फोरम पर कि जल्द से जल्द वहाँ से हटा लिया जाए होर्डिंग का पोस्टर। जो सरकार द्वारा निर्धारित स्थान है वहीं पर ही लगाए जाने चाहिए, निर्धारित नहीं लगाए जाने। संजय जी, निर्धारित जगहों से आप लोग खुश नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन राजनीतिक दल भी बहुत सारे हो गए ना जी, अब कोई जिम्मेवारी लेता नहीं। दूर जा रही है, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर प्रशासन ने वर्जित कर रखा है इन पोस्टर और होर्डिंग्स को, उसके बावजूद तमाम राजनीतिक दल इसकी अनदेखी कर रहे हैं और आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या प्रशासनिक अमले के आदेश इन राजनेताओं के सामने बौने साबित हो रहे हैं, क्या ऐसे आदेश महज हवा हवाई है? तो सवाल यही कि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, इसके बावजूद प्रशासनिक अमले का जो निर्देश है या जो अपील है उसकी अनदेखी की जा रही है, क्या ऐसा ही हाल चुनावी आचार संहिता का भी होने वाला है? क्योंकि कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से सार्वजनिक जगहों पर जहां पर प्रशासन ने पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने की मनाही की है, ऐसी जगहों पर भी जो पोस्टर हैं, जो होर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो आप साफ तौर पर इन चौक चौराहों पर देख सकते हैं। तो सवाल यही कि क्या हरियाणा में पोस्टर राज है और क्या प्रशासनिक अमले की जो अपील है उनका जो आदेश है इन नेताओं के सामने, इन राजनीतिक दलों के सामने बौना साबित हो रहा है? प्रशासन के दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए थे, संजय मलिक और सतीश खौला हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि दोनों का यही कहना है कि प्रशासनिक अमले ने जो जगह चिन्हित की है इन पोस्टर और होर्डिंग्स के लिए, वहां पर आम जो जनता है उनकी नजरें नहीं पहुंच पाती हैं, और चूंकि ये सारा का सारा खेल यानी राजनीतिक घटनाक्रम का जो खेल होता है वो जनता की नजरों में आने के बाद ही शुरू होता है, तो ऐसे में लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाता है, और यही वजह है कि राजनीतिक दल जो सार्वजनिक जगह है
वहां पर जाकर अपने पोस्टर और होर्डिंग्स लगाते हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या इन राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा नहीं किया जाता है? जब मीटिंग्स बुलाई जाती हैं तो क्या इन राजनीतिक दलों की राय भी नहीं ली जाती है? और अगर ली जाती है और प्रशासनिक अमला अगर कोई फैसला लेता है तो क्या इन राजनीतिक दलों को उनका फैसला मानना शोभा नहीं देता? हरियाणा में वाकई क्या प्रशासनिक अमले के आदेश के बाद कह सकते हैं कि हरियाणा में नेताओं का राज ज्यादा है, या प्रशासनिक अमले का जो आदेश है उसके वो बौना साबित हो रहा है इन तमाम राजनीतिक दलों के सामने, क्योंकि तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु यादव, भाजपा नेता। प्रभु यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। प्रभु नहीं, रघु। चलिए चलिए, माफ कीजिएगा रघु जी। आप मुझे ये बताइए कि जी, जो तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर फिलहाल सामने आ रही हैं, तमाम तरह के पोस्टर्स होर्डिंग्स यहाँ पर अटे पड़े हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक अमला लगातार अपील करता है तमाम राजनीतिक दलों से, आप लोगों से भी, क्या उन अपीलों का, उन आदेशों का कोई असर है वाकई? ये दर्शाता है जी कि किस किस्म के लोग अब सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं जी। उन्होंने चुनाव को एक बस वो जैसे बाजार होता है वैसा समझ लिया। हाँ। कि भाई साबुन बेचने के लिए हम देखा करते थे और उपभोक्ता सामग्री बेचने के देखते थे, तो उस किस्म का प्रचार शुरू हो गया जी। वो लोगों का समूह संवाद और उस तरह का सब खत्म हो गया। तो रघु यादव जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये जो प्रशासनिक अमला जगह चिन्हित करता है वहां पर ही ऐसे होर्डिंग्स और पोस्टरों का लगाना जायज है, ना कि पूरे शहर भर में? वो चुनाव आयोग जब कार्यक्रम दे देता है और आचार संहिता आ जाती है तो सभी पार्टियां भी नगर परिषद के चेयरमैन शकुंतला जी जुड़ रहे हैं। शकुंतला जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शकुंतला जी, हेलो जी, मैम आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी, आवाज आ रही है। शकुंतला जी, आप सुन पा रही हैं हमें? अब आवाज पहुंच रही है आप तक? अजी? तो लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें बनी हुई है। शकुंतला जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो, तकनीकी दिक्कतें जिनकी वजह से लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन एक बार फिर से बताना चाहेंगे आपको कि प्रशासनिक अमले का वो आदेश हवा हवाई है कि सार्वजनिक जगहों पर, सरकारी जो परिसंपत्तियां हैं वहां पर पोस्टर और बैनर ना लगाए जाए, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक दामों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। रेवाड़ी की कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर किस तरह से नेताओं के पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रही है नगर परिषद की चेयरमैन शकुंतला। शकुंतला जी, बहुत स्वागत है आपका, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शकुंतला जी, क्या माने कि प्रशासनिक अमला जो है बौना साबित हो रहा है इन राजनीतिक दलों के सामने, जिस तरह से पूरा का पूरा शहर होर्डिंग्स और पोस्टर से अटा पड़ा है? हाँ जी, शकुंतला जी, हाँ जी, बोलो। तो लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें बनी हुई है जिनकी वजह से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन चौक चौराहों पर होर्डिंग्स और पोस्टर से अटा पड़ा है, आदेश के बाद भी जारी है धड़ल्ले से पोस्टर और होर्डिंग्स का ये खेल। सवाल यह है कि क्या हरियाणा में नेताओं का राज है?
चलिए इसी के साथ खास खबर में इतना ही, लेकिन प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।